सबसे पहले तो आज मैं स्वागत करना चाहूँगा आप सभी दर्शकों का। आज एक बहुत प्रतिष्ठित स्थान में, ये आपका जो है वो काको भगवती स्थान में हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं जो है ये काको भगवती स्थान का चित्रण है। यहाँ पर स्थापित जो है वो आपके आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो है आपके काको के स्थापित भगवती जी है और बहुत सालों से यहाँ पर जो है इस तरह का जो है वो नवरात्रे के समय में जो है वो आपका हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है कि ग्रामीण के द्वारा पिछले 50 से 100 वर्षों के बीच से जो है पूजा लगातार हो रही है और यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी उत्साह से जो है वो भाग लेते हैं। आप जो है दिखाएंगे, ये जो है स्थापित जो है आपके भगवती जी है, इनका नाम है श्री मनोकामना देवी जी। मनोकामना देवी जी के नाम पर जो है यहाँ पर ये हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जो है वो पूजा कार्य जो है चल रहा है और मंत्रोच्चारण के द्वारा जो है वो सभी काम हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जगह है जहाँ पर बलि प्रदान की जाती है और जो है ये आज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है सप्तमी और अष्टमी दोनों जो है वो सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन जो है आज ही है, यानी कि दोनों आज के दिन में ही मनाया जा रहा है। तो खबर आसपास के जो एपिसोड में हम जो है वो नवरात्रा स्पेशल में आज आपके सामने लेके आए हैं, ये जो है एक बहुत ही मनमोहक और मन जो है वो मनमोहक दृश्य यहाँ पर जो है हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। काको जो कि मधुबनी झंझारपुर ब्लॉक में स्थित है, यहाँ पर जो है भगवती स्थान के बारे में। तो निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएंगे और भगवती स्थान का दर्शन करेंगे। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कुछ अन्य दृश्य। ये कमेटी सदस्य है, कमेटी सदस्यों का भी जो है काफ़ी जो है वो यहाँ पर योगदान है और ये लोग जो है वो पूरे जो है वो समर्पण के द्वारा जो है यहाँ पर जो है पूजा को किया जा रहा है। तो अनुरोध करता हूँ, अनुमान है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और देवी का दर्शन करेंगे, उनके भागी बनेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं विष्णु सिंह फिर मिलेंगे नवरात्र स्पेशल के अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।